इंफिनिटी का साइन इस तरीके से ऐसे एग्जांपल में लिखेंगे 1 2 3 4 ठीक है, ये हो गया नेचुरल नंबर। आगे होल नंबर लिखो, होल नंबर क्या लिखेंगे होल नंबर में? द काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो, लिखो द काउंटिंग नंबर। इसका बेस हुआ 10 और बाइनरी नंबर जो भी लिखे वो 0 और 1 के फॉर्म में लिखा जाता है, उसमें दो ही डिजिट यूज किया जाता है 0 और 1, दो डिजिट यूज किया जाता है 0 और 1, इसलिए इसका बेस जो होगा, इसका बेस क्या होगा? होल नंबर। बोलिए 2, जितना नंबर यूज किया गया एग्जांपल में लिखाएगा 0 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है, जितना भी नंबर वन से जो स्टार्ट होगा नेचुरल नंबर उसी में जीरो लगा लो होल नंबर, ठीक है। डिजिट यूज किया जाएगा तो इसका कितना होगा 4, बचा कितना 1, फिर 2 से भाग दिए कितना, चलो उसके बाद क्या था, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इवन नंबर। इवन नंबर पता है, इवन और ऑड दो नंबर होते हैं। इवन क्या होता है? जीरो से जो मतलब दो से जो भाग दो से जो भाग जाता है उसको कहते हैं इवन नंबर, सम संख्या, और ऑड नंबर होता है जो दो से भाग नहीं होता है उसे हम ऑड नंबर कहते हैं या विषम संख्या कहते हैं। लिख लोगे इसका, लिखो इवन नंबर का, डाउन पहले आएगा, इवन नंबर लिखो, बाइनरी नंबर जो हम द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 45 द नंबर इक्वल्स टू ये डेसिमल नंबर आपका हो गया व्हिच इज डिविजिबल बाय ब्रैकेट डाले 1 डिविजिबल डी आई वी आई एस आई बी एल ई डिविजिबल फिर आया 0 फिर आया इसका बेस और ना गया इसी को लिखा व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 2 इज कॉल्ड कोई कॉल इवन नंबर ऑड नंबर का लिखो वैसे ही द नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय ऑड नंबर का ऑड नंबर। अभी आप कन्वर्जन सीखे थे डेसिमल से बाइनरी में, अब ये है बाइनरी व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय, क्वेश्चन नहीं आएगा सर उसको कन्वर्ट कैसे करें, इज कॉल्ड तुरंत कॉपी निकला ऑड नंबर कलम निकला और तेज है, कैसे बनाएंगे जरा बताइए तो हो गया। यहाँ आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और यहाँ आपको बताएं डेसिमल से बाइनरी में, तो आप कैसे कन्वर्ट कीजिएगा? बाद दिमाग लगा, इसके बाद आता क्या है प्राइम नंबर, उसे नहीं बनेगा प्राइम नंबर, आया समझ में? यहाँ थोड़ी कमी है, यानी कि प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसका कि सिर्फ दो फैक्टर होता है, दो फैक्टर मतलब सिर्फ दो नंबर से डिवाइड, एक तो वन से और एक खुद से बाकी किसी से नहीं, ठीक है। लिखो प्राइम नंबर का, द नंबर वन है, द नंबर हैविंग द नंबर हैविंग H A V I N G हैविंग ओनली टू फैक्टर factor that is 1 and number itself that is 1 and the number itself is called prime number. इसको गुणा करेंगे 2 से कितना आएगा? 2 क्या? अब इसी प्राइम नंबर में एग्जांपल स्टार्ट करेंगे, कहां से करेंगे? 2 आएगा सबसे पहला, कितना करेंगे सबसे पहला 2 2 1 2 2 एक
क्या है टू में, सिर्फ टू ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, बाकी कोई भी इवन नंबर क्या है प्राइम नहीं होता है, सिर्फ टू एक सिंगल है जो इवन के साथ साथ प्राइम है, बाकी कोई भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहला टू, उसके बाद फिर थ्री, फाइव, उसके बाद सेवन, नाइन का नाइन एक से कटेगा, तीन से कटेगा, नाइन से कटेगा, दो से ज्यादा हो गया तो नाइन नहीं होगा, इलेवन, थर्टीन, एटीसी लिख लो। ठीक है, इसके बाद आता है क्या कंपोजिट नंबर, हर स्टेप पर कंपोजिट नंबर कोई बताओ, उसके बाद नंबर नहीं है तो हम ऐड क्या करेंगे, इसलिए लास्ट स्टेप बताइए कंपोजिट नंबर मिल जाना, तो दिक्कत समझ में आया, प्राइम से उल्टा होता आ गया, जो स्वयं से ना जो स्वयं से कटता भी है, वन से भी करता है, उसके अलावा भी कोई नंबर से करता है, मतलब कि जिसका दो से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, लिखो द नंबर, द नंबर हैविंग more than two factor, more than two factor, ये girls के लिए है, is called और इधर वाला composite number, composite number हो गया। अब सबसे छोटा composite number क्या होगा, क्या क्या पूछो, पूछने क्या दिखे थे बोलो, the number having more than two two factors is called composite number, सबसे एक छोटा composite कौन सा होगा, two prime हो गया composite कैसे होगा, one या three, one unique number होता है ना, prime होगा ना composite होगा, three अभी prime में जोड़े थे ना, four सबसे पहला number है, देखो एग्जांपल में 4 होगा उसके बाद क्या होगा 6 होगा, 6 के बाद फिर 8 होगा, 9 होगा, 10 में होगा, आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, इटीसी लिख लो, इसके बाद बन गया। चलिए इसके बाद और कोई नंबर है देखते, से 100 के बीच में प्राइम नंबर निकालना होता है। ठीक है, सबसे आसान तरीका रहता है क्या, जिससे कि हम कंफ्यूज नहीं होते हैं, 1 से 100 मान लो 1 से 20 तक का करते हैं, क्या करें जितना
टू का मल्टीपल होगा उसको क्या करेंगे क्रॉस करेंगे प्राइम निकालने का तरीका बता रहे ठीक है जितने भी नंबर टू से डिविजिबल होंगे उसको क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे ठीक है आगे एक सिर्फ टू को छोड़कर क्यों क्योंकि टू प्राइम होगा आगे कंटिन्यू करते हैं फोर क्रॉस कर दिए सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी ठीक है अब टू के बाद क्या करेंगे टू के बाद जो भी थ्री का मल्टीपल है ठीक है थ्री को छोड़कर जितना भी थ्री का मल्टीपल है उसको क्या करो क्रॉस कर दो थ्री को छोड़ देंगे बाकी सिक्स हो गया इलेवन नाइन हटा दो आगे थ्री को उधर ट्वेल्व थ्री फाइव का फिफ्टीन आगे एटीन खत्म हो गया आगे फाइव में से सिर्फ फाइव को छोड़ दो बाकी सारे को क्रॉस कर दो ठीक है फाइव को छोड़ दिए बाकी फाइव का टेन और ट्वेंटी क्रॉस है अब देखो टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन यानी कुल मिलाकर इतना प्राइम नंबर है वन से ट्वेंटी के बीच में तरीका याद रहेगा अगर वन से हंड्रेड तक निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे वन टू थ्री इन तीनों को छोड़ दो सबसे पहले टू का मल्टीपल जितना भी उसको क्रॉस कर दो फिर थ्री का मल्टीपल फिर फाइव का मल्टीपल सारे को क्रॉस कर दो बाकी जो नंबर बचा वो तुम्हारा प्राइम होगा जितना भी क्रॉस किया वो नंबर है वो क्या हो जाएगा कंप्लीट से ठीक है चलो आगे अब अभी निकालो तुम सब कहाँ से निकालोगे 30 से लेकर 50 तक कौन कौन सा प्राइम है निकालो 30 से 50 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा